जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सृष्टि ज्ञान एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। काफी समय के बाद एक और जन्म कुंडली का हम अध्ययन करेंगे। ये जो जन्म कुंडली है सुदीप घोष जी की है। सुदीप घोष जी आप मैच कीजिए जो अभी आपने बर्थ डिटेल दी है। सुदीप घोष जी आपका नाम 7/1/1985 डेट ऑफ बर्थ 21:45 PM बर्थ टाइम पैलेस है आपका। बर्थ पैलेस जो है खड़गपुर, स्टेट आपका वेस्ट बंगाल। जो आपने डिटेल दी है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिंह लग्न आता है, कर्क राशि आती है। आपका लग्न सिंह है और राशि कर्क है, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। लग्न का असेंडेंट का स्वामी कौन है? सन, सूर्य। अब देखिए आपके जो ग्रह स्थिति आपके सामने प्रस्तुत है। प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव का स्वामी पंचम भाव में उपस्थित है, अग्नि तत्व की ही राशि में, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व के कारक हैं, अग्नि तत्व के हैं और अग्नि तत्व की राशि में बलि होकर बैठे हैं। पंचम भाव में ये बलि हो जाते हैं और गुरु के साथ में, अपने परम मित्र के साथ में, बुध और गुरु दोनों के साथ में बैठे हैं, युति बनाकर, कंजक्शन बनाकर। ठीक है, गुरु जहां हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। शनि केतु चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, राहु दशम भाव में वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र और मंगल सप्तम भाव में कुंभ राशि में उपस्थित है, चंद्रमा 12वें भाव में स्वग्रही होकर बैठा है। तो अब आप देखते हैं आगे क्या है आपकी कुंडली का हाल। पाया लोहे का है, वर्ण ब्राह्मण है, गण देव है, राशि कर्क है, कैंसर आपकी राशि है। चलिए लग्न पे आते हैं। लग्न आपका है 25 डिग्री का। तो ये जो है, मतलब ज्यादा कमजोर नहीं कहेंगे लेकिन वृद्धावस्था की ओर जा चुका है, मतलब जो है बल धीरे धीरे कम होने वाला है। तो एक तो ये फैक्टर हमारे पास में रहेगा, लग्न दोष वाला जो मैंने अभी बताया था, लास्ट वीडियो डाला था, लग्न आपका कितना मजबूत है, क्या फर्क डालता है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं जो आपका सिंह लग्न है वो सूर्य का है ही, सूर्य जी है, मतलब जो लग्नेश है, लग्न लॉर्ड है, वो किसके नक्षत्र में है? शुक्र के नक्षत्र में है। आपका जो ये लग्न है, प्रथम भाव है, ये भी शुक्र के ही नक्षत्र में है, अर्थात कहने की बात है कर्म भाव और तृतीय भाव के स्वामी के जो भी नक्षत्र हैं वो शुक्र के नक्षत्र में सूर्य और लग्न विराजमान है। पहली बात, राशि चंद्रमा जिस भी घर में बैठ जाए वो राशि होती है। तो आपकी कर्क राशि है, चंद्रमा 12वें भाव में है और पुनर्वसु नक्षत्र, आपका जो जन्म का नक्षत्र है पुनर्वसु है, अर्थात गुरु का नक्षत्र है। गुरु पंचमेश है आपके लिए, गुरु अष्टमेश है आपके लिए। अब पंचम भाव में बलि होकर बैठे हैं, वो भी लग्नेश के साथ में अपनी अग्नि तत्व की राशि में, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो ये तीनों ग्रह प्लस पॉइंट रहेंगे आपके लिए, लेकिन देखें तो गुरु अस्त हो चुका है, सूर्य है, उसके पास में कोई भी ग्रह जाता है तो पास, जैसे ही ज्यादा पास में जाएगा तो वो अस्त कर देंगे गुरु को। गुरु अस्त हो चुके हैं। पाया जो है लोहे का है, वर्ण ब्राह्मण है, गण देव है, राशि कर्क है। सबसे पहले अगर बात की जाए, वर्ण अगर ब्राह्मण है तो कोई भी हो, किसी की भी कुंडली हो, अगर वो ब्राह्मण वर्ण का है तो उसको राहु पीड़ा देगा ही देगा, ये नोट कर लेना चाहिए। और राशि चंद्र राशि स्वामी, चंद्र राशि स्वामी यदि सूर्य चंद्रमा गुरु मंगल से संबंध है, मतलब ये स्वामी बनते हैं, तो शनि और राहु उनको कष्ट देंगे ही देंगे जीवन में, चाहे कितने ही अच्छे राजयोग हों, चाहे कितने ही उच्च के ग्रह बैठे हों, कितने ही बलवान ग्रह बैठे हों, पीड़ा अवश्य देंगे, ये नोट कर लेनी चाहिए इन सौम्य ग्रह लगने वालों को। ठीक है, आगे बात करते हैं। महादशा जो है आपके वो 3/10/2023 तक बुध की है, मरकरी की है। अंतरदशा जो है 25/1/2021 तक गुरु की है, यानी कि जुपिटर की है। दोनों ही ज्ञान के कारक हैं, दोनों ही बुद्धि के कारक हैं।
और वाणी में सौम्यता देखी जाती है, तो इन दोनों को देखा जाता है। हाँ, हालांकि गुरु के ये गुरु इनसे शत्रुवत व्यवहार रखते हैं। अब आइए देखिए, आपके बुध के अंदर गुरु की दशा चली हुई है, यानी बुध आपकी देखें तो द्वितीय भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में लग्नेश के साथ परम मित्रता के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन तात्कालिक मैत्रिता के देखें तो ये शत्रु भाव उत्पन्न होगा सूर्य बुध में, और तात्कालिक मित्रता में हम गुरु बुध के देखें तो ये परम शत्रु हो जाएंगे, क्योंकि शत्रु तो हैं एक साथ और बैठे हैं। तो बुध में गुरु की दशा थोड़ी सही नहीं रहेगी, बस थोड़ी सी, क्योंकि सौम्य ग्रह है, थोड़ी सी हम पूजा पाठ करेंगे, उपाय करेंगे तो ये फल अच्छा देना लग जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन था कि सरकारी नौकरी के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो जरूर कीजिएगा, सरकारी नौकरी के लिए 110% लगेगी, तो तैयारी कीजिए। अब देखिए, गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं सूर्य को, सूर्य पे आ जाइए। सूर्य पंचम भाव में गुरु के साथ अग्नि तत्व की राशि में बुध के साथ भी बैठा है, धन भाव का स्वामी के साथ भी बैठा है पंचम भाव, तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। प्रयासरत रहिए, अवश्य आपको नौकरी मिलेगी। 2023 तक अच्छे चांस हैं, दिल लगा के मेहनत कीजिएगा, सुबह शाम भी कर दीजिएगा, आलस्य मत कीजिएगा, क्योंकि कर्क राशि वाले थोड़ा सा आलसी होते हैं, थोड़े सेंसिटिव भी होते हैं। बात करें शनि केतु की, आपने पूछा था, शनि केतु की बात कर लेते हैं। चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में विराजमान है। देखिए, शनि जो है वृश्चिक राशि में मंगल की राशि में, और मंगल जो है वो शनि की राशि में विराजमान है। परिवर्तन राजयोग ये बना रहे हैं। अब बात करते हैं, देखो शनि की दृष्टि राहु के ऊपर है कर्म भाव में, मंगल की चौथी दृष्टि भी राहु के ऊपर है दशम भाव में। दशम भाव हमारा पिता का होता है, मान सम्मान का होता है, तो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कि मतलब मान मर्यादा से अलग हो, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पिता की सेवा का, पिता की स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, उनकी सेवा करनी है, तो आपको शीघ्र अतिशीघ्र सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी। अब देखिए, आप ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं, गुरु अष्ट, गुरु को हमको बल देना है। गुरु सूर्य और बुध की अगर बात करें तो गुरु सूर्य काफी अच्छा कुछ दे देते हैं, बहुत कुछ अच्छा मिलने लग जाता है। अब देखिए, सूर्य जो है सिंह लग्न है आपका, तो आपको सूर्य देव से हमेशा पूर्व में ही उठना है, पूर्व उठना है आपको, सूर्य देव की आराधना करनी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको डेली करना है कम से कम 3 बार। सरकारी नौकरी के लिए आपको चांस बढ़ा देंगे, मान सम्मान बढ़ा देंगे, धन दौलत के लिए कोई परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि देखो सूर्य के सपोर्ट में गुरु और बुध दोनों इनके मित्र हैं, और सपोर्ट करेंगे तो आपको काफ़ी हाई लेवल की ऊंचाई तक लेके जाएंगे। जरूर आप प्रयास कीजिएगा, जो भी आप गवर्नमेंट जॉब प्रयास करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के अलावा यदि आप प्रयास करना चाहते हैं तो आप कंसल्टेंसी है, एस्ट्रोलॉजी है, उसमें भी आपको ये काफ़ी फायदा दे देंगे, क्योंकि गुरु और सूर्य पंचम भाव में बली होकर बैठे हैं। टीचिंग का भी अगर आप करते हैं उसमें भी आपको ये फायदा दे देंगे, वाणी का प्रयोग भी, वाणी से संबंधित जो भी व्यापार हैं, टीचिंग है, बैंकिंग वाला भी है, वो भी आपको ये फायदा दे देंगे। तो गवर्नमेंट जॉब के आपके लिए चांस 100% है, सिर्फ मेहनत करने की देर है। लग्न 25 डिग्री का है, तो आपको थोड़ी सी शारीरिक मेहनत अवश्य करनी है, और वो मैं बता चुका हूँ कि लग्न को कैसे मजबूत किया जाए, जरूर कीजिएगा और इसका आप आनंद उठाइएगा। परेशानी जरूर आएगी शुरू में, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि केतु साथ में बैठे हैं, केतु भी सही नहीं है चतुर्थ भाव में, यानी कि कहते थे हैं कि केतु जहाँ पर भी बैठता है उसकी उससे थोड़ा सा वियोग करवा देता है, तो आपका जब केतु की दशा आएगी, बुध की दशा है, बुध की दशा के बाद केतु की दशा आएगी, तो केतु की दशा आपके ये परिवार मकान वाहन का भाव है, मन का भाव है, तो ये आपको परिवार वालों से थोड़ा सा वियोग करने की कोशिश करेगा। शनि के साथ बैठे, शनि की चतुर्थ भाव में इतना अच्छा फल नहीं देते पारिवारिक मामले में। दशम दृष्टि इनकी लग्न के ऊपर पड़ती है, इनका शत्रु सूर्य इनके शत्रु रहते हैं,
तो ये परेशानी जरूर खड़ी करेंगे, आपके पास में बड़ी बड़ी परेशानियां आएंगी समय पर। तो बस आप खुद को मजबूत रखिएगा, पॉजिटिव इतना रखिएगा कि वो आपके सामने सब परेशानियां जो भी हैं वो सब छोटी रहें। तो आत्मबल को आपको मजबूत करना है और एक टारगेट बनाकर आप पढ़ाई कीजिए, जरूर आप सफल होंगे और 2023 तक बहुत गजब के चांस हैं, बहुत जल्दी आपको नौकरी प्राप्त होगी। तो ये था आपका कुंडली के हिसाब से फलादेश, जो कि बिल्कुल बहुत अच्छी कुंडली है, कोई खराब कुंडली नहीं है। सिर्फ एक स्त्रियों का सम्मान कीजिएगा क्योंकि शुक्र और मंगल साथ बैठते हैं तो थोड़ा सा करेक्टर में खराबी दे देते हैं, कैरेक्टर लेस करने की कोशिश करते हैं मंगल और शुक्र। लेकिन आपके जो लगने से गुरु के साथ में बैठे हुए हैं तो ये आपको मजबूती देंगे, आपके कैरेक्टर में मजबूती देंगे। बाकी आपको अपने पास में ध्यान रखना ही है। चंद्रमा का बात कर लेते हैं, केमद्रुम दोष। केमद्रुम दोष सबसे बड़ा दोष होता है, चंद्रमा से बनता है। चंद्रमा के देखिए 12वें भाव में और 2nd भाव में कोई ग्रह नहीं है, केमद्रुम दोष है। तो आप परिवार में थोड़ा हटके रहेंगे, आपकी विचारधाराएं हटके रहेंगी, आपको समस्याएं काफ़ी क्रिटिकल समस्याएं आएंगी, डिप्रेशन की स्थिति तक आ जाएगी। केमद्रुम दोष तो जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं, वाइट कलर की जो भी चीज़ें हैं उनको आप अवॉइड कीजिएगा, माँ की सेवा कीजिएगा, भगवान शिव की भी आप आराधना जरूर कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, जिससे कि आपका चंद्रमा शुभ फल देने लगे, आपको शीघ्र अतिशीघ्र लाभ हो। तो ये आप जरूर काम कीजिएगा। आप कर्मकांड भी कर सकते हैं क्योंकि गुरु और सूर्य अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो ये तो था आपकी कुंडली का हाल, और भी आपको जो समस्या हो आप पूछ सकते हैं, मैं अपने नंबर दूंगा 90 57 23 45 62 आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे। तो इन पर आप जरूर मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, 1 या 2 सवाल आप अपने पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, पसंद आए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।